स्वास्थ्य और हेल्थ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि वर्मा। तो आज मैं जानकारी देने जा रहा हूँ एक ऐसे मेडिसिन के बारे में जो काफ़ी बेहतर माना जाता है निमोनिया पेशेंट्स के लिए, चाहे वो बच्चों का निमोनिया हो या तो फिर बड़ों का निमोनिया हो, काफ़ी बेहतर रिजल्ट देता है निमोनिया में। और उस मेडिसिन का नाम है लिनेजोलिड। लिनेजोलिड एक एंटीबायोटिक है, जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें, लिनेजोलिड एक एंटीबायोटिक है जो काफ़ी बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है निमोनिया पेशेंट्स के लिए। ये और भी कई सारी बीमारियों को ठीक करती है, उसी के बारे में आज पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। लिनेजोलिड क्या है, उसके कौन कौन इससे कौन कौन सी बीमारियों को ठीक की जाती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके डोजेस क्या हो सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँच सके। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल बिना किसी डॉक्टर सलाह के आप अपने घर पर ना करें। तो पहले जानते हैं लिनेजोलिड के बारे में। लिनेजोलिड मोस्टली एक सिंथेटिक एंटीबायोटिक है जो रेसिस्टेंस बैक्टीरिया पे काफ़ी बेहतर काम करता है, चाहे वह स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया हो या तो फिर एमआरएसए हो, वहाँ पर भी काफ़ी बेहतरीन रोल प्ले करता है लिनेजोलिड। काफ़ी ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे बॉडी में रेसिस्ट कर जाते हैं, उन पर बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स होते हैं जो असर नहीं करता है, जिसके कारण रेसिस्टेंस बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न हुई बीमारियां हमारे शरीर में ठीक नहीं हो पाती हैं। काफ़ी ऐसे मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद भी वो बैक्टीरिया मरते नहीं हैं और वो बीमारियाँ ठीक नहीं हो पाती हैं। तो लिनेजोलिड एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो स्टेफेलोकोकस जैसे रेसिस्टेंस बैक्टीरिया को भी ख़त्म करता है। निमोनिया स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी है, और अगर निमोनिया के जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे शरीर में रेसिस्ट कर जाते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है, बच्चों में कभी कभी इससे डेथ भी देखने को मिली है। तो लिनेजोलिड निमोनिया के लिए काफ़ी बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है। लिनेजोलिड एक एंटीबायोटिक है, इसका इस्तेमाल केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में ही करना चाहिए। अगर आप इसका इस्तेमाल वायरल इन्फेक्शन या तो फिर वायरल संक्रमण, वायरल फीवर में करते हैं तो वहाँ पे इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आप जानते हैं इसके उपयोग के बारे में, आखिर इससे कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक हो पाती हैं। तो इसमें से पहला है निमोनिया। निमोनिया चाहे वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हो या तो फिर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हो, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया उसे कहते हैं अगर आप किसी बीमारी को ठीक करने के लिए कोई हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और वहाँ से आपको निमोनिया जैसी खतरनाक बीमारी होती है तो उसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं, या तो फिर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, या तो फिर आप किसी कम्युनिटी में रहते हैं, किसी समूह में रहते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग रहते हैं वहाँ जहाँ बीमारी होती है, तो वहाँ से अगर कोई निमोनिया आती है तो उसे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है और इसके बैक्टीरिया रेसिस्ट करने में काफ़ी सक्षम होते हैं। तो उस निमोनिया को ख़त्म करने के लिए लिनेजोलिड काफ़ी बेहतरीन माना जाता है, यानी सभी तरह के निमोनिया को ठीक करने के लिए ये काफ़ी बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है। ये डायबिटिक फूड इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए काफ़ी बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है। डायबिटीज़ के कारण जो पैरों में या तो फिर कहीं पे भी जख्म होते हैं वो जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ पे भी लिनेजोलिड का इस्तेमाल काफ़ी बेहतरीन माना जाता है। सेल्युलाइटिस को भी ठीक करने में ये एक बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है लिनेजोलिड एंटीबायोटिक्स। इसका टैबलेट भी अवेलेबल है, सिरप भी अवेलेबल है और इंजेक्शन के रूप में भी ये अवेलेबल है मार्केट में। SSTI में भी इसका रिज़ल्ट काफ़ी बेहतरीन देखा गया है, यानी स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। अगर आपके स्किन में कहीं पे भी इन्फेक्शंस हो गए हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गए हो, तो वहाँ पे भी इसका रिज़ल्ट काफ़ी बेहतरीन देखा जाता है। SSTI में काफ़ी ऐसे बीमारियाँ हैं जो आती है, अगर चमड़े में आपके किसी भी तरीके की बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गया है तो लिनेजोलिड का इस्तेमाल काफ़ी बेहतरीन माना जाता है। तो आप जानते हैं लिनेजोलिड से होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में। सभी व्यक्तियों में इसका दुष्प्रभाव देखा नहीं गया है, लेकिन काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जिन पर इसका दुष्प्रभाव देखा गया है। तो अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट दिखे तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से
संपर्क करें। अगर किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट आप में होता है तो वो वोमिटिंग हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द भी देखा गया है। अगर किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है तो दस्त की समस्या हो सकती है, त्वचा पर लाल चकते निकल सकते हैं। अगर किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है तो, या तो फिर रेड ब्लड सेल यानी खून की कमी भी देखी गई है, ये सीवियर साइड इफ़ेक्ट में आता है। अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, या तो फिर आप लिनोजोलिड के टैबलेट खाते हैं, इंजेक्शंस लगवाते हैं, या तो फिर सिरप का इस्तेमाल अपने बच्चों में करते हैं। और किसी भी तरह का इरिटेशन आपको दिखता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो आप जानते हैं इसके डोजेस के बारे में, इसका जो डोजेस है वो बीमारी की जटिलता यानी सीवियरिटी और व्यक्ति के वजन पर डिपेंड करता है, वेट पर डिपेंड करता है। तो लिनोजोलिड का जो मैक्सिमम डोजेस है एक दिन का वो 10 mg पर केजी पर डे का है। इसका जो डोजेस है वो 14 से 28 दिनों तक मस्ट लेने के लिए कहा जाता है इस एंटीबायोटिक को। तो इसका इस्तेमाल 14 से लेकर 28 दिनों तक करें। ये सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 14 दिनों तक इस्तेमाल करना है, 20 दिनों तक इस्तेमाल करना है, या तो फिर 24 दिनों तक इस्तेमाल करना है। मोस्टली इसका जो मैक्सिमम डोजेज है वो 10 mg पर केजी पर डे यानी एवरी 12 आवर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 mg पर केजी पर एवरी 12 आवर, 12 घंटे के अंतराल में आप इतने डोजेस इस्तेमाल करते हैं। 12 घंटे के अंतराल में आप 10 mg से ज़्यादा डोजेस नहीं दे सकते हैं। अगर किसी बच्चे का वेट 5 kg है तो उसका डोजेस 50 mg होगा एवरी 12 आवर, यानी 12 घंटे में आप 50 mg दे सकते हैं, उसके बाद 12 घंटे के बाद से आप 50 mg इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी बच्चे में किया जा सकता है। तो ये एक एंटीबायोटिक है, इसका इस्तेमाल केवल डॉक्टर के द्वारा ही करना चाहिए, किसी भी प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके।